आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं, झूठा बदनाम करना, झूठा फंसाना, जेल का, मुकदमे का, डंडे का, लाठी का भय दिखाना, इस पूरी साजिश में जो मोदी जी और उनकी पार्टी फंसी हुई है, उसने फिर एक कारनामा कराया। और तब से एक नारा भी चल रहा है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाकर रखें, वरना ईडी छापा मार सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं बार बार कह चुका हूं, एक रुपए का भी भ्रष्टाचार मेरे खिलाफ नहीं पाओगे, जितनी जांच मनाए कर लो। और मैंने तो यहां भी कहा, यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी कुछ भी मेरे खिलाफ मिलने वाला नहीं। और इस बात को पूरी की पूरी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि अगर मैं आपके मित्र अडानी के घोटाले को उजागर कर रहा हूं और जेपीसी की मांग कर रहा हूं, अगर मैं किसानों के मुद्दे पर आपके सामने आकर आपका विरोध कर रहा हूं, अगर मैं भारत के गृहमंत्री का विरोध कर रहा हूं, अगर मैं आपके सबसे करीबी दोस्त के घोटाले को पूरे देश के सामने उजागर कर रहा हूं और ईडी को बार बार लिखकर शिकायत दे रहा हूं, तो ये तो आप, मैं जान ही रहा हूं कि आप मेरी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे, आप मेरे खिलाफ जो मन में आएगा वो करेंगे, आप मुझे बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन कुछ पाएंगे नहीं। और यही काम ईडी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर किया। अभी 2 दिन पहले हमारे 3 साथियों के खिलाफ बेबुनियाद, झूठा, निराधार और मुझे बदनाम करने के लिए उनके घर पे छापेमारी की, मोदी जी के कहने पे। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के कहने पे हो रहा है। और मैंने तो आज अपने घर पे बोर्ड भी लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें, वरना ईडी किसी भी समय छापा मार सकती है, आज्ञा से नरेंद्र मोदी। आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया है, आप लोग जाइए। और मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मन हो आओ। आप सोच रहे हो ऐसे जांच फांच, बदर घुड़की, अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है उसको डराना। हम तो तुमसे 11 बार मेल करके समय मांगा है मोदी जी, आपकी ईडी से मैंने 11 बार समय मांगा, 11 बार मेल भेज के समय मांगा, हमें समय नहीं दिया आज तक, यही आपके दोस्त का कच्चा चिट्ठा देने के लिए, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। आपकी ईडी से मोदी जी मैंने 11 बार मेल करके समय मांगा, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। मेरे घर पे भेजते आप ईडी, ये सारे कागज आपको मिल जाते, कहां कहां कोयला की खदानें आपने दी है, कहां कहां आपके दोस्त के साथ मिलकर आपने भ्रष्टाचार किया है, ये सब देता मैं, आप भेजिए। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, ये बदर घुड़की और डराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा।